हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप पर किसी भी चैट पर कैसे कोई भी वॉलपेपर सेट करते हैं वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। अगर आप भी अपने व्हाट्सएप में किसी भी चैट्स पर कोई भी फ़ोटोज़ का वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं ये जो मेरा जियो का नंबर है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही वॉलपेपर सेट करके रखा है। तो मैं इस वॉलपेपर को यहाँ से पहले रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कैसे वॉलपेपर सेट करते हैं वो मैं आपको करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर हमारा जो वॉलपेपर है वो मैंने रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको वॉलपेपर कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये जो ऊपर थ्री डॉट का एक ऑप्शन मिलता है आपके चैट्स में, यहाँ पर आपको इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वॉलपेपर का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस वॉलपेपर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं वॉलपेपर सेट करने के लिए। एक ब्राइट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ब्राइट वाले सारे वॉलपेपर मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको डार्क वाले कुछ वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप कलर्स में भी कोई भी वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप फ़ोटोज़ को वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक माय फ़ोटोज़ का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जिस भी फ़ोटो को वॉलपेपर सेट करना है आपको उस फ़ोटोज़ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको फिर से उस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे सेट वॉलपेपर का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस सेट वॉलपेपर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो वॉलपेपर है वो चैट्स पर लग गया है। तो अगर आप इसको फिर से रिमूव करना चाहते हैं तो आपको फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर वॉलपेपर पर जाके यहाँ पर आपको रिमूव कॉस्ट्यूम वॉलपेपर सेट कर सकते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर पर क्लिक करके इसको आप सेट वॉलपेपर कर सकते हैं। अगर वीडियो से हेल्पफुल मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।